हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चले आपके प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट BS PSCL के स्टूडेंट हैं, बिहार बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के स्टूडेंट हैं, आप सबको मैं अपडेट दे दूं। और आज की जो क्लास है, एक छोटी सी क्लास इसलिए रखी गई है कुछ अपडेट देने के लिए आप सभी को, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे मोड ऑफ सेलेक्शन, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस का है इस वैकेंसी के लिए जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के 740 पोस्ट के लिए। ये बात क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बातें लगभग मैंने पहले एक क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, जब ये वैकेंसी नई नई आई थी। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं, जो फिर से फॉर्म जो रीओपन हुआ है आपका 1 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले नहीं अप्लाई किए हुए थे, जिनको इसकी जानकारी ही नहीं थी, वो लोग भी अप्लाई किए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको जानकारी थी लेकिन तब भी वो नहीं अप्लाई किए थे, क्योंकि इसमें फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन बाद में बहुत सारे स्टूडेंट रियलाइज़ कर रहे थे कि शायद गलती हो गई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और डाल देना चाहिए था। तो उन लोगों को भी एक मौका मिल गया, मौका तो मिल गया और वो लोग भी इसमें अप्लाई किए हुए हैं। और अदर स्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे UP, MP, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ के भी स्टूडेंट अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए अदर स्टेट के भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है। अब जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी जल्दी अप्लाई किए हुए हैं, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जो फॉर्म रीओपन हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और उनके लिए मतलब वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब क्या CBT के बाद इंटरव्यू भी लिया जाएगा या टाइपिंग वाइपिंग भी तो नहीं होगा? क्योंकि जूनियर अकाउंट्स क्लर्क क्लर्क की पोस्ट है, तो नॉर्मली सभी लोगों के माइंड में यही चलता है शायद टाइपिंग हो। और इन सब के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर इंटरव्यू भी होगा, आधी अधूरी जानकारी, और पहले मेरे हिसाब से शायद ये वैकेंसी आई थी तो इंटरव्यू प्रोसेस था ही, अब क्या है कि नहीं है? तो वो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी क्लास मैंने यहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ पूरी तरीके से मैंने नोटिस ओपन किया हुआ है बिहार बिजली विभाग का, जो आपकी नोटिस है, और इस नोटिस के अकॉर्डिंग ही सारी जानकारी आपको दी जा रही है। क्या लिखा है नोटिस में, कि आपका CBT के बाद इंटरव्यू होगा या टाइपिंग टेस्ट होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और अगर DV होगा तो कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, चलिए बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पहली लाइन लिखी गई है कि CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब विज्ञापन के अकॉर्डिंग, जितने भी स्टूडेंट ने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है बिहार बिजली विभाग के लिए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया हुआ है, उनका क्या होगा, एक CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। पहला लाइन आपका CBT होगा, और ये कैसा होगा, ये ऑनलाइन होगा, पेन एंड पेपर मोड में नहीं होगा, ये आपका रिटर्न एग्जाम जो भी होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम आपका होगा, ओके, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सेकेंड क्या कह रहा है कि जो CBT आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो मल्टीपल बैचेस में भी कंडक्ट कराए जाएंगे, और द आंसर सीट विल बी इवेलुएटिंग यूजिंग ZNormalize स्कोर मेथड। देखिए, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल बैच में कराया जाएगा। जैसे मल्टीपल बैच में तो 100% अब तो कराया जाएगा, क्योंकि पहले जब 300 सीट थी तब तो मे भी शायद मल्टीपल में ना कराए जाएँ, क्योंकि उतने स्टूडेंट भी नहीं फॉर्म वगैरह फिलअप किए हुए थे, कंपटीशन भी काफ़ी कम था। लेकिन अब 100% कराया जाएगा, क्योंकि अब तो सीटें बढ़ गई हैं, 740 सीट हो गया, और काफ़ी स्टूडेंट जो पहले नहीं अप्लाई किए हुए थे, या बहुत सारे स्टूडेंट जो अदर स्टेट के हैं, सभी स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, तो कंपटीशन अब काफ़ी बढ़ गया है, सीटें बढ़ी हैं तो कंपटीशन भी अब आपका काफ़ी बढ़ गया है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल बैचेस में ये आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन 4 दिन जैसा भी रहेगा, या 1 हफ्ते लगातार जो भी जैसा भी है एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। और यह नॉर्मलाइजेशन मैथड आपका लागू होगा, ZNormalize मैथड, जैसे आप लोगों ने रेलवे के एग्ज़ाम में देखा होगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर मैथड। बहुत सारे स्टूडेंट के रॉ मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन नॉर्मलाइज पे उनका कम हो गया था, और बहुत सारे स्टूडेंट के जो रॉ स्कोर थे वो कम थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर बढ़ गया था। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बेकार प्रोसेस है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के घट जाते हैं, तो ये मैथड बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये ZNormalize स्कोर मैथड अप्लाई होगा आपके एग्ज़ाम में। बेसिकली होता क्या है, ये मैंने एक बार पढ़ा था कि जैसे आपके बैच, मतलब जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है उसको देखा जाता है, फिर एवरेज स्कोर देखा जाता है, यही सारी चीज़ें हैं, तो इस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि ZNormalize स्कोर ये आपका रहेगा। प्लस यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स जो है, मतलब आपको OBC, SC, ST, जनरल, EBC, इन सभी लोगों के लिए यहाँ पे दे रखा है 40, 36, 34, 32, ये दे रखा है कि इतना क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, और इससे कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन होगा, भाई एग्ज़ाम होगा और आयोग एक कट ऑफ डिसाइड करेगी, ये तो क्वालिफाइंग का है, ठीक है, कोई क्वालिफाई कर लेगा क्या सिलेक्शन मिल जाएगा, इससे नहीं। मतलब 100 में 80 अगर मान लेते कट ऑफ जाता है तो वो कट ऑफ है, वो वहाँ से सिलेक्शन होगा, ये तो क्वालिफाइंग का आपका मार्क्स दे रहा है। फिर यहाँ पे और भी बात कर रहा है कि आपका जो मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा वो अबव पैरा 7 बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट CBT।
मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका जो मेरिट बनेगा वो जो भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसी ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। एक लिस्ट बनेगी सभी स्टूडेंट की, जितने भी स्टूडेंट जो अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और जो लोग एग्ज़ाम देंगे आपके रिज़ल्ट के आधार पर, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसके रिज़ल्ट के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, सीबीटी के आधार पर मेरिट बनेगी। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो 1:1, एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइज फ्रॉम द मेरिट लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन। मतलब आपका सीबीटी के बाद, आफ्टर सीबीटी के बाद आपका क्या होगा, सीबीटी के बाद आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट है, मतलब सीधा सीधा एक एग्ज़ाम देन आपका फाइनल सिलेक्शन, एक एग्ज़ाम देन आपका फाइनल सिलेक्शन, मतलब सीधा सीधा डीबी होगा। आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है, सीधे डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डीबी के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। और कैसा डीबी के लिए बुलाया जाएगा, 740 सीट है तो 740 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, मतलब 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि डीवी के बाद, मतलब आयोग भी यही चाहता है कि जितने बच्चों का सिलेक्शन हो उन्हीं उतनी उन्हीं बच्चों का डीवी कराया जाए, मतलब 740 सीट पे 740 बच्चों को ही डीवी के लिए बुलाया जाए। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम में आप देखते होंगे 3:1 के रेशियो में बुला लिया जाता है डीवी के लिए, भाई जितनी सीट है उसके 3 गुना बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी में 2:1 के रेशियो में बुलाया जाता है, मान लेते हैं 100 सीट है तो 200 बच्चों को बुला लिया गया, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को डीवी से बाहर किया जाता है, और या तो फिर फाइनल कट ऑफ एक बार और निकलती है डीवी के बाद, डीवी के बाद भी कट ऑफ निकलती है, तब उस आधार पर सिलेक्शन होता है। लेकिन इस वैकेंसी में क्या है, इस वैकेंसी में आपका सीधा सीधा बस यही एक फाइनल कट ऑफ आपका निकलेगा, ठीक है, 1:1, मतलब 740 बच्चे और 740 वैकेंसी, 740 वैकेंसी के लिए 740 बच्चों को ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज द मेरिट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं मेरिट के आधार पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एज वेल एज मेरिट। जैसा मेरिट में आपका मेरिट बनेगा उसमें जितना भी आपका मार्क्स रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ मॉक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्यू क्वेश्चन ओनली विल अवेलेबल कंपनी वेबसाइट। आपको जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस तो नीचे दे रखा है नोटिफिकेशन में, आपको मतलब जैसा आपका एग्ज़ाम है, मतलब एक सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट हम कह सकते हैं, वो आपको बिहार बिजली विभाग के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग जाइए वेबसाइट पे, वहां से आप इसके मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अपडेट हो गया है तो आप लोग जाइए वहां से एक बार लगा लीजिए इस मॉक टेस्ट को, एक अंदाज़ा लग जाएगा एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, मतलब कैसे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेवल क्या रहेगा, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट इसीलिए अपडेट किया जाता है आयोग द्वारा। फिर सिलेबस अटैच किया गया है सीबीटी के लिए, ये तो नीचे दिया गया है, तो सिंपल सी बात है। देन आपका एक एग्ज़ाम है सीबीटी, और मल्टीपल बैचेस में आएंगे होंगे, मतलब एक दिन में ही नहीं होगा एग्ज़ाम, 2 से 3 दिन में भी हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है, 2 शिफ्ट में भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसमें है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन को लेकर, और प्लस जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, मतलब नो इंटरव्यू नो टाइपिंग टेस्ट, 740 सीट 740 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज़ें, सबसे पहले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, मैथ हिंदी रीजनिंग इंग्लिश और GK GS कंप्यूटर और प्लस कॉमर्स, इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सभी चीज़ें तो आप साल भर पढ़ते ही होंगे, मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें आपकी प्रिपेयर होंगी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपकी प्रिपेयर होंगी। बाकी कॉमर्स पे आपको विशेष ध्यान देना है, कॉमर्स में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, फिर कंपनी एक्ट 1956, कंपनी अकाउंट्स जो आपका इंट्रोडक्शन है वो हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये सभी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तभी आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो प्रिपरेशन सबसे पहले आप अपनी अच्छे से करते रहिए, दिसंबर उसंबर में एग्ज़ाम लिया जा सकता है तो दिसंबर तक टारगेट मान के चलिए। और सेकंड, डीवी के लिए आप अपना मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जो आपका आय तो लगेगा नहीं, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और प्लस EWS वालों के लिए जो लोगों का सर्टिफिकेट लगता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए, आप अपना सर्टिफिकेट प्रिपेयर करवा लीजिए। अगर पहले से बना हुआ, अब पहले से बना हुआ वाला ही लगेगा ही, लास्ट डेट से पहले का जो आप लोगों ने मतलब उससे पहले का ही ये लगता है, तो उसको सभी सर्टिफिकेट अपना इकट्ठा करके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अहम होता है, बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी बाहर होते हैं, तो ये भी एक तरीके से एग्जाम है, क्वालिफाइंग है, मार्क्स तो नहीं मिलेगा, ये क्वालिफाई बेस पे है, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, कैसी लगी जानकारी आज की कमेंट करके जरूर बताइए,
और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बिहार बिजली विभाग का, कॉमर्स एज ए स्पेशल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस चल रही हैं और अभी बैच ज्वाइन करेंगे तो 140 क्लास का नोट्स लगभग 3 से 4 हज़ार पढ़ने का, प्लस आपको मैराथन क्लास, नोट्स, वीकली मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएंगे। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लॉन्च कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज़ भी आप ऐप से ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।